नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। दिवाली और धनतेरस को लेकर पूरा पटना सज चुका है। आपको बता दें कि बीते वर्ष की तुलना में अगर बात करें बर्तनों की, खास तौर से जो लोग धनतेरस में खरीदारी करते हैं, तो बर्तनों में 20 से 25% की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। इसके बावजूद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि धनतेरस के दिन चीज़ें खरीदी जाती है और अपने घरों में लोग उसको सजाते हैं या फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं एक बर्तन दुकान में, जहां पे लोग धनतेरस को लेकर के किस तरह की खरीदारी है या किस तरह के चीज़ों का डिमांड है, ये जानने के लिए तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते होंगे कि हर चीज़ें जो किचन में खास तौर से जो इस्तेमाल किया जाता है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ अगर दुकानदारों की बात करें तो पहले से ही इसकी तैयारी लोग करते हैं, और ख़ास तौर से दुकानों की साज सज्जा भी इस पर भी खासा ख्याल रखा जाता है। और देखिए लोग जो है यहाँ पे ख़रीदारी किस तरह से कर रहे हैं। अगर बात करें किचन के सामानों की, तो लोग सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उस पर फोकस करती हैं। ख़ास तौर से डब्बा की बात करें, कुकर का हो या फिर स्टील का गिलास हो, स्टील का कोई भी सामान हो, बोतल हो जो पानी पीने वाला रहता है, तांबे की बर्तन हो, पीतल की बर्तन हो, उन सब चीज़ों पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ मैडम क्या खरीदने आई हैं? मैं यहाँ पे डब्बा लेने आई हूँ, वो घर पे रखने के लिए कुछ सामान डब्बे में रखने के लिए। पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है यहाँ पे। अगर बात करें अगर पिछले साल की कीमत की, अगर पैसे की या फिर इस साल की, तो क्या कुछ कुछ बढ़ा है क्या? बढ़ा तो है, थोड़ा बहुत है, बहुत बढ़ा है। हाँ, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इस साल, तो क्या कुछ सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है सामानों की, तो इसकी भी बात हम जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे करेंगे। तो देखिए किस तरह से लोग जैसे स्टील का कढ़ाई ही हो, अभी नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उसका डिमांड ज़्यादा हो गया है, लोग उसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर ख़ास तौर से देखा जाए, तो चाहे वो एल्युमिनियम का हो या फिर स्टील का हो या फिर पीतल का हो, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीज़ें जो हैं वो भी बाज़ार में उपलब्ध हो गया है, उन सब चीज़ों का भी डिमांड जैसे बढ़ने लगा है। और जो ग्राहक हैं जो वो भी खरीदारी कर रहे हैं, और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की चीज़ें का ज़्यादा डिमांड हो रहा है मार्केट में? मेनली चूल्हा वगैरह, कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, कढ़ाई, ये सब मेनली ज़्यादातर बिकता है आपको धनतेरस में। हाँ, क्या कीमत प्राइस है सर? कीमत सब तो ब्रांड का चीज़ है, हम लोग के पास तो सब कीमत वहीं पे किया रहता है, सब फिक्स है। पूरा बढ़ा है दामों में अगर बात करें तो, पिछले अपेक्षा इस साल थोड़ा ज़्यादा? हाँ, थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट हुआ है, एमआरपी वगैरह सब चीज़ का बढ़ा है आपको, कुकर से लेकर कढ़ाई से लेकर, या फिर ब्रांड वाइज भी सब ब्रांड का, हॉकिंस हो, प्रेस्टीज हो, थोड़ा सा रेट इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल की तुलना में। कोरोना के बाद थोड़ा सा जो है कि रेट का, और कुछ कस्टमर थोड़ा सा सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा ये होते हैं, पहले आते थे कि कस्टमर की ये दे दीजिए वो ये दे दीजिए, अब लेकिन थोड़ा सा अपने जो बजट के हिसाब से। और भी हम बात करेंगे कि जैसे भाई साहब, थोड़ा आप बता सकते हैं कि जैसे पीतल के बर्तन हो गए, तो क्या उसकी भी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में? हाँ, थोड़ी बहुत तो ग्राहक हैं, हम लोग के पास भी पीतल का सामान वगैरह लेते ही हैं। तो क्या कुछ उसका प्राइस है, जैसे पीतल का थाली, लोटा, ग्लास, ये सब का क्या कुछ प्राइस है? मिनिमम 325 के हाँ प्राइस में इजाफा हुआ है। पहले क्या कुछ कीमत था, अब क्या कुछ है, जैसे कुछ बता सकते हैं? मोटा मोटी जो आइटम पहले हम लोग मान के चलिए कि 300 का बेचते थे, वो अब उससे ज़्यादा हम की लैंडिंग पर रही है जी, तो कई चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। और अगर बात करें थर्मस या फिर पानी का बॉटल का, जैसे वो सब, उन सब चीज़ों में भी इजाफा हुआ है? हाँ, रेट तो सब कंपनी ने इजाफा बढ़ा ही है, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है हम लोग को बिहार में, वो सब कंपनी अपना रेट इंक्रीमेंट की है। ये सर जो आप पानी का बोतल आप लिए हुए हैं, इसका क्या कुछ प्राइस है? इसका प्राइस आपको 999 रुपये से 2000 रुपये तक के लगभग में है जी, 999 से शुरू होता है 500 ml जी, और 2 लीटर तक के भी अपने है। इसकी डिमांड बढ़ी है सर? डिमांड बहुत ज़्यादा, अभी ठंडी का मौसम आ रही है ना जी, तो गर्म पानी रखने के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसका सेल जो है अभी
आपको ग्रोथ करता है। इंडक्शन चूल्हा की कितना डिमांड हो गया है सर? इंडक्शन चूल्हा जो है कि लगभग सही है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उस पर, और सेल भी मोटा मोटी ठीक है। धनतेरस की वजह से सामानों की भी नॉन स्टिक का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मार्केट में हॉकिंस हुआ, पेस्टीज हुआ, ये सब बड़ी कंपनी का जो है लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल भी हमारे पास आया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और ये चाय वाली केतली सब ये जी सब जी का भी डिमांड बढ़ा है, वो सभी चीज सब का प्राइस क्या कुछ आप बता सकते हैं? कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे ये डोंगा देख रहे होंगे जैसे कुछ चीज़ें, तो ये इन सब चीज़ का कुछ कुछ प्राइस देखिए सबका रेंज है 1000-1200 रुपये से शुरू होता है, जैसे जैसे आप रेंज में जाएंगे जी रेंज के हिसाब से जो है अलग अलग प्राइस है। और जो 3 लीटर का कुकर हो गया, 5 लीटर का कुकर हो गया, वो उन सब चीज़ों का क्या? 3 लीटर का कुकर आपको जो है 1400 रुपये से शुरू हो जाता है जी। ये देखिए कुकर का सारा रेंज है हमारे पास जी, हॉकिंस है, प्रेस्टीज है जी, ये सारा रेंज आपको है जी। ये लगभग जो है ये 3 लीटर से आपको जो है 14 लीटर तक अवेलेबल है हमारे पास, 14 लीटर तक, हाँ 14 लीटर तक है जी। ये सारा रेंज आपको है। और ये सब किचन में जो लोग सजाते हैं करते हैं, उन सब चीज़ों का क्या कुछ प्राइस है डब्बा का? किचन के लिए तो आपको डब्बा का रेट थोड़ा सा स्टील में जो भी डब्बा आता है थोड़ा सा रेट है। सर ये सब का क्या कुछ प्राइस है? ये सब मान के चलिए आपको जो है कि 700 से लेकर आपको 1000-1200-1500 तक का आता है, जग वगैरह गिलास भी आती है। डिमांड बढ़ा है मार्केट में सर? हाँ तांबा तो जो भी पुरानी चीज़ें है वो सब लोग अब रिवाइज कर रहे हैं, पुरानी चीज़ तांबा कॉपर ये सब जो है कि अभी डिमांड में है। स्टील का कढ़ाई वगैरह भी पहले लोग यूज़ नहीं करते थे, अब स्टील का नॉन स्टिक कढ़ाई। अच्छा अब क्या कुछ लगता है पहले से कुछ दाम में कुछ इजाफा हुआ है? पता नहीं, दिन फर्स्ट वे खरीद लिया है तो देखते हैं क्या। अच्छा क्या कुछ खरीदने आए हैं भाई जी? साथ में ही आए हुए हैं, उनके साथ ही हैं। अच्छा तो क्या लगता है कि धनतेरस के में खरीदने का एक जो शुरू से परंपरा रहा है उसको लेकर जो खरीदारी होती है क्या कुछ इसे आगे यूज करने वाले हैं? क्या कुछ लगता है कि चीज सिर्फ सजाने के लिए लेकर के जा रहे हैं? नहीं नहीं, यूज करने के लिए धनतेरस में ऐसा कुछ लिया जाता है जैसे जो यूज करे वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए ले जाए। निश्चित तौर पर जैसा कि भाई साहब भी बताए सर, ये जो ग्लास है पानी वाला क्या कुछ प्राइस है अभी? देखिए ग्लास में जो है हमारे पास जो है ब्रांड की है, सब ग्लास जो है हेवी स्टील है, क्वालिटी मेंटेन है, आपको 60 रुपया से शुरू हो जाता है और साइज के हिसाब से जो है वो रेंज जो है हर रेंज में है, छोटा से लेके बड़ा तक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जैसा कि जो दुकानदार हैं वो भी बता रहे हैं, जो ग्राहक खरीदने आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हम आपको साइड से कि देखिए जो चूल्हा है गैस वाला, गैस का चूल्हा जो इस्तेमाल करते हैं कुछ, ये जो सिंगल चूल्हा है इसका क्या कुछ प्राइस है भाई साहब? 1650 के रेंज का, हर रेंज का आता है, 1650 का है, 1200 का है, और स्टील बॉडी में भी है हमारे पास, ग्लास टॉप में भी चूल्हा आपको मिल जाएगा। बड़ा वाला ड्रम आपको हर रेंज का मिल जाएगा, 1200 से लेकर 4000-4500 तक का ड्रम, जो होता है ट्रॉली टाइप 800 से लेकर के 1600 तक का है सब जी। फाइबर का डिनर सेट है हमारे पास आपको। और क्या कुछ नया साल में क्या कुछ आप लोग ग्राहक को दे रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज भी दे रहे हैं आप लोग? जी सब तरह का कलेक्शन है मेरे पास, जो भी कस्टमर का डिमांड होती है जो कलेक्शन होती है वो हम लोग मेंटेन करते हैं, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर का है वो यहाँ पे, हम लोग का लगभग 30 साल पुरानी दुकान है राजा बाजार में, राजा बाजार बेली रोड, सब फेमस दुकान है, सब जानते हैं हम लोगों को, तो हम लोग का सब एक कस्टमर बेस बना हुआ, सब कुछ सही है। हम लोग का क्या है कि प्राइस तो थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वालिटी में हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं नहीं आपको यहाँ पे मेरे दुकान में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, सब ब्रांडेड चीज़ मिलेगा आपको और अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिलेगा आपको, आप संतुष्ट होके जाइए बस। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था दुकानदार भाई साहब का, साफ साफ इन्होंने बता दिया कि मेरा दुकान जो है वो बहुत पुराना है, लगभग 30 सालों से यह दुकान है राजा बाजार में, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप यहाँ खरीदारी करने पहुँचते हैं तो आपका आपके मन पसंद के लायक सारे सामान यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ जैसे सामानों में इजाफा हुआ है लेकिन जो
खरीदारी है उसमें गिरावट नहीं आई है, लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो सालों के बाद ये चीज़ें देखने के लिए खास तौर से मिल रही है। और लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सजग हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हैं। पीतल, एल्युमिनियम और अगर स्टील की बात करें तो सभी चीज़ें जो है वो उपलब्ध है बाज़ारों में और इसकी डिमांड जो है सबसे ज़्यादा है। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद।